आगे जो बात है अभिषेक जो बता रहे हैं इसमें मैं आपको एक और ऐड कर रहा हूं। सीधे आइए राहुल यहां पर कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके जल्द होंगे रूस का हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके जल्द होंगे रूस का हिस्सा। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, सदर्न यूक्रेन के कई इलाके जल्द हो जाएंगे रूस की टेरिटरी, यह भी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, क्रीमिया में मॉस्को ऑफिशियल गॉर्गी मुरादोव का यह दावा है। खेरसोन, क्रीमिया, ज़ेपोरेजिया में काम कर रहा है मिलिट्री सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, यह इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग राहुल और दोनों शॉर्ट्स के साथ एक बहुत शार्प रिएक्शन। यहां पर मेरे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जनरल सुधाकर सर। सर जब तक हम ये बात कह रहे थे कि देर इज अ थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर, हम कह रहे थे देर इज अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, बहुत सारे लोग दे वर मॉकिंग इट डाउन। लेकिन आज अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ बोल रही हैं, खुद पुतिन की तरफ से कई बार यह बात की गई है कि देर इज अ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं और खासकर यह देखते हुए कि जहां पर वो बैठ गए हिलने वाले नहीं है, अब तो यह भी सामने आ गया। निशांत गुड आफ्टरनून, शुभकामनाएं आपको और बधाई हो, और मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं तहे दिल से, क्योंकि काफी दिन पहले से आप ये क्लियर इंडिकेशन और इसकी जो निचोड़ है आप बताते आ रहे हैं, और आज ये साबित हो गया कि आपका जो असेसमेंट है और आपका जो रिसर्च विंग है जो इसके ऊपर अप्लाई करके निचोड़ निकाल के देते हैं, उनको पूरा बधाई हो। अब मेरे को भी यही कहना था, शुरू से मैं मेंटेन करते आ रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबा खींचेगा। अभिषेक ने जो कहा है बिल्कुल सही है, आप भी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरे तरफ से मेरा प्रस्पेक्टिव में कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, ये लड़ाई इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये जो लैंड ब्रिज पहले हम बात कर रहे थे क्रीमिया के लिए, लैंड ब्रिज डोनबास और क्रीमिया का लैंड ब्रिज सिक्योर करेंगे, दाहिने हाथ यानी कि पूर्वी की तरफ मारियोपोलो और बाएं तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ खेरसोन ऑलरेडी उनके हाथ में है। मिलिट्री सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इट्स कंट्रोलिंग, इसके बाएं अगर अपना नजर ले जाते हैं हमारे व्यूअर्स का देखते हैं मोल्डोवा, एट वन पॉइंट इन टाइम मोल्डोवा यूज्ड टू बी अ प्रो रशियन टेरिटरी। इसका जो ब्रेकअवे नेशन है ट्रेनिस्टार जो आप कह रहे हैं, ये अभी प्रो रशियन एक एंटिटी है। इसको भी आज के दिन में मेरे समझ के मुताबिक प्यूटिन का प्लान है इसको पूरा एनेक्स करने का। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, ज्यादा हो जाता है आप तो अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ जो है उन्हीं की लाइंस पर बोल रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं फिर से निवेदन करूंगा अपने जवाबों को थोड़ा सा कंसाइज कर ले हमारे सभी मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स। लेकिन जो आप बता रहे हैं मैं इसमें एक आगे की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सुधाकर सर, पार्डन मी अगेन, आपको बीच में रोक रहा हूं। बड़ी खबर पुतिन का प्लान यूक्रेन, बहुत बड़ी खबर है अमेरिका का जो दावा है, सीधे दिखाएं और वहां पर मॉस्को का ऑफिशियल दावा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर है, ये है उनकी इंटेलिजेंस चीफ जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नो नीड टू जूम इन, यहां पर सीधे आइए यहां पर, यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक कब्जा करने की पुतिन की मंशा, ये बहुत बड़ी बात है ट्रांसनिस्ट्रिया तक। फिर मॉस्को ऑफिशियल का दावा, खेरसोन क्रीमिया ज़ेपोरेजिया में मिलिट्री सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, यह हमें पता है। नेक्स्ट है यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, ये इन्होंने कहा है। यूक्रेन पर कब्जे वाले इलाकों पर जल्द रूस का कब्जा हो जाएगा। नाउ दिस इज सीरियस, ये दोनों को आप देखें एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट TV9 भारतवर्ष आपके सामने कह रहा था, दिस इज प्रिसाइसली। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है चेंज करें, वो इंफॉर्मेशन ये है कि किस तरीके से ये दोनों जगह एक ही, ये दोनों रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं कि ये काम पूरा, अब आगे कहां जाना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।